नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Infinix Hot 11s वर्सेस Vivo Y21G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Hot 11s में 6.65 इंच जबकि Y21G में 6.46 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Hot 11s से कम है। विड्थ की बात करें तो Hot 11s में 3.03 इंच जबकि Y21G में 2.99 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Hot 11s से कम है। बात करें थिकनेस की तो Hot 11s में 0.35 इंच जबकि Y21G में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Hot 11s में 205 ग्राम जबकि Y21G में 182 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Hot 11s में 20:5:9 जबकि Y21G में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Hot 11s में 6.78 इंचेस जबकि Y21G में 6.51 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Hot 11s में 1080x2480 और Y21G में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Hot 11s में 84.06% जबकि Y21G में 81.99% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Hot 11s में 399 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Y21G में 270 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Hot 11s में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। और Y21G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Hot 11s में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Y21G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU दोनों फोन में सेम ही माली G52MC2 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Hot 11s में MediaTek Helio G88 और Y21G में MediaTek Helio G70 मिलता है। बात करें RAM की तो Hot 11s में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB की RAM मिलती है, जबकि Y21G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Hot 11s में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Y21G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Hot 11s में अप टू 256GB जबकि Y21G में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Hot 11s में Android V11 जबकि Y21G में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Hot 11s में 3 कलर्स जबकि Y21G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Hot 11s में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ 10,499 रुपीस
4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 11,499 रुपीस में मिलता है। और बात करें Y21G की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 13,990 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो इन्फिनिक्स हॉट 11S में 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें वीवो Y21G की तो उसमें 7 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में हॉट 11S आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Y21G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो A12 है, दूसरा Xiaomi Redmi Note 10 Pro है, तीसरा Xiaomi Poco M2 Pro है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi 9 Prime है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।